ट्रेन किसका मतलब बेस्ट बैटर और बेस्ट बॉलर तो मैन ऑफ द सीरीज का वही रहेगा अभी तक तो है। हमें स्कोरर उवेस बता रहे हैं कि अभी तक बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन ये नवीद अशरफी बानकोट के जो है वो अभी भी बागमंडला आप सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन आप ये बात याद रखें उनके कैप्टन और जो भी सुन रहे हैं आपको देड़ की जेटी से आना ही है, देड़ की जेटी से आना है। एक मरतबा फिर उनके कान में आप बता दीजिए करीब जाकर देड़ की जेटी बिल्कुल भी आगे ना करें, इसलिए कि कल हमको तीन राउंड ज्यादा करने हैं। जी सर हमारे साथ जो कमेंटेटर सोहेल सर थे उनका हम शुक्रगुजार हैं पूरे मैनेजमेंट की तरफ से, बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से, कि अपना कीमती वक्त वो हमारे लिए दे रहे हैं और मुसलसल दोनों दिन वो तशरीफ़ फरमा हुए। इंशाल्लाह कल फाइनल डे के लिए भी उनसे गुजारिश की गई है कि वो कुछ देर ज़रूर आएँ। आतिफ सर हमारे करीब बैठे हैं, प्रिंसिपल जर्मन प्रकार हाई स्कूल के, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला जी। सिराज भाई ढंग से सुबह में जो आए हैं अभी तक मैच से दिलचस्पियां हासिल कर रहे हैं और बच्चों का हौसला बढ़ाने का बड़ा शौक रखते हैं वो। बल्लेबाजी के लिए जो दो बल्लेबाज जा रहे हैं उसमें रिहान है और असगर, दोनों भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अस्फरीन 11 की तरफ से शिपोल और अस्फरीन 11 बानकोट के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। यह कल का होने वाले मुकाबले में पहला मुकाबला होगा, चौथे दिन का पहला मुकाबला। वक्त बचाने के लिए आज खेला जा रहा है, इसलिए कि कल दो सेमीफाइनल के मुकाबले, थर्ड राउंड के लिए एक मुकाबला होगा और एक फाइनल मुकाबला होगा। हमारे इस टूर्नामेंट में एक हैट्रिक भी है और वो बागमंडला के बॉलर श्रीतेज ने हासिल किया है, हैट्रिक किया था उन्होंने, तीन विकेट तीन गेंदों पे हासिल की थी। अमीर है बॉलर, गेंद करेंगे असगर को, ऊंचा खेला है लेकिन इस बार फील्डर के नीचे गए, फील्डर गेंद के नीचे और बहुत ही बेहतरीन शॉट था लेकिन ज़्यादा देर हवा में गेंद लहराती रही, फील्डर के पास आई जब तक के बेहतरीन कैच लपकते असगर को अब वापस लौटना पड़ेगा। असगर के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज गए मोहम्मद, रिहान से काफी उम्मीद है, एक अच्छे बैट्समैन है वो, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और ये गैप में खेला है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और चार रन हासिल करने में कामयाब हुए, बेहतरीन शॉट, ये शॉट रन भी दे जाता है और
महफूज होता है कि इसमें विकेट का कोई नुकसान होने का खतरा नहीं होता। बेहतरीन शॉट खेला असगर की विकेट पहली गेंद पर हासिल करने में कामयाब हुए थे आमिर। कल के होने वाले मुकाबले के लिए पहला राउंड खेला जा रहा है। आमिर राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अनवर भाई धनशे हैं वो इस मैच के अंपायरिंग के फराज अंजाम दे रहे हैं। मुअज्जम धनशे उनके भाई हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं और इस्माइल धनशे से भी गुजारिश है कि कल के मुकाबले के लिए जरूर पहुंचे। और यह दूसरी विकेट आउट होने वाले बल्लेबाज इस बार रिहान थे। रिहान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी लेकिन रिहान ने पहली गेंद पर चौका जरूर हासिल किया और ये अश्फरीन 11 बनकोट की टीम यकीनन पहले ओवर में मुश्किल से दो चार है। मुमरा से हुसैन हसवारे साहब भी इस होने वाले मुकाबले को बानकोट में जो चल रहा है उसको लाइव देख रहे हैं। शुक्रिया आपका, आप इसी तरह अपने गांव से मोहब्बत करते रहें। हर किसी को अपने ज़मीन से अपने गांव से मोहब्बत होती है और यकीनन फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। मतलब यह कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत वतन होना जरूरी होता है, यह रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन अपने इज्जत और अपने घर के रौनक को बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी होती है, मशक्कत करना जरूरी होती है, वरना आप सिर्फ खेल में लगे रहें ऐसा भी ना हो। कोशिश क्या कीजिए, खेल भी जारी रखें और अपने फैमिली के लिए अपने घर वालों का भी ख्याल रखते जाइए जो भी खेल के शौकीन होते हैं वो। अच्छी गेंद, वाइड बॉल का इशारा इस बीच अंपायर का, एक रन का स्कोर में इजाफा। इन दोनों बल्लेबाजों से दो विकेटें असगर और रिहान के आउट होने के बाद तमाम तर जिम्मेदारी मोहम्मद पर आयद होती है। पहली ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर सिर्फ 5 रन है जिसमें एक बाउंड्री लगाने में कामयाब हुए थे रिहान। मोहम्मद से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। रिहान ने जोरदार हिट लगाने की कोशिश में कैच दे भाई बैठे थे भी। अच्छी गेंद आमिर, काफी अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। आमिर गेंद करेंगे मोहम्मद को, सिर्फ 5 रन खर्च किया अपने 5 गेंदों में। आखिरी गेंद लेकर ओवर में जा रहे हैं, सीधे हाथ के गेंदबाज है, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर अनवर को क्रॉस किया एक मरतबा, फिर अच्छी गेंद, पीछे हटकर गैप निकालना चाहते हैं इसलिए पावर प्ले का ओवर था लेकिन क्या ही अच्छी पावर प्ले नहीं है, क्या ही अच्छा अपना पहला ओवर फेंका है उन्होंने। आमिर ने सिर्फ 5 रन खर्च किया और 2 कीमती विकेटें हासिल करने में कामयाब हो गए थे। देखा शिपोला की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं कौन है, रिहान। पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद सिर्फ 5 रन बने हैं जबकि सिर्फ 12 गेंदें आनी है, 3-3 ओवर का मुकाबला है। चौथे दिन का पहला मुकाबला हो रहा है, ये तीसरा दिन चल रहा है लेकिन ये महफूज है, कैच तो नहीं लपक पाएंगे। एक रन बना, दूसरे रन के लिए देखना है। तेज कदमों से निकले हैं और यकीनन ये 2 रन हासिल करने में कामयाब हो गए। अजहर है बल्लेबाज, 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए थे रिहान के पहली गेंद पर। लंबे रन अप से रिहान गेंद करेंगे अजहर को, एक मरतबा फिर बल्ले पे बीचों बीच लिया गेंद को लेकिन जब तक गेंद फील्डर तक पहुंचती सिर्फ 1 रन हासिल हो गया। मोहम्मद से काफी उम्मीदें वाबस्ता है, अश्फरीन ने उनको देखना है कौन सा हदफ बनता है इन 3 ओवरों में शिपोला के लिए। एक ओवर मुकम्मल हो चुका है, दूसरे ओवर का खेल जारी है। स्कोर है अभी भी 8 रन पर रुका हुआ, इस बार खेलने में जरूर कामयाब हुआ लेकिन फील्डर ने
गेंद को फील्ड किया और विकेट कीपर के पास गेंद आई, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन हासिल कर लिया। सिर्फ एक चौका आया है अभी तक, दूसरे ओवर का खेल जारी है। दो विकेटों का नुकसान हुआ है, दोनों ओपनर बल्लेबाज असगर और रेहान वापस हो गए। अजहर से उम्मीद है, देखें अजहर क्या करते हैं। स्प्रिंग इलेवन के लिए फुल टॉस बनाकर खेला है, लेकिन शॉट में उतनी तेजी नहीं है। यकीनन ये एक ही रन बनेगा और एक रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर 10 रन। दूसरी ओवर का खेल चला, 3 ओवर का मुकाबला होगा। दौड़ना शुरू किया, छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए और यकीनन ये वाइड के रूप में एक रन हासिल हो जाएगा। रिहान है बॉलर, लंबे रन अप से, 3-3 ओवर का मुकाबला। 94 छक्के लगे हैं अभी तक इस 3 दिन के खेल में, इस टूर्नामेंट में, और 88 रन चौके की मत 88 चौके लगे हैं। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन हासिल किया। ये इस तरह की बैटिंग से चिपोला के लिए कोई मजबूत और ताकतवर टीम को हदफ देने में, बड़ा हदफ देने में शायद नाकाम रहेंगे। हालांकि इसके बाद एक ओवर आना अभी बाकी है, लेकिन अजहर और मोहम्मद अपनी टीम के लिए देखे किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। कोई भी बल्लेबाज अभी तक, अच्छी गेंद अजहर के बल्ले के करीब से, बिल्कुल लूज गेंद थी। हालांकि ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान किया है, जबकि 2 ओवर के अख्तिताम पर शिपोला ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ 12 रन बनाने दिए। साथ में ये भी मालूम करें आपको कि अफ्रीका और हमारी टीम इंडिया के दरमियान जो मुकाबला चल रहा है उसमें 116 रन पर 3 विकेट गंवा चुके हैं भारतीय टीम, लेकिन बेहतर परफॉर्म किया है इससे पहले 2 टेस्ट। एक टेस्ट जीता था और एक टेस्ट अफ्रीका ने जीता है। इस बीच अच्छा शॉट खेला है, रन के लिए निकल पड़े हैं, एक रन बना। तीसरे ओवर का गेम चल रहा है, अभी भी बल्लेबाज बड़ी हिटे लगाने में नाकाम है, या तो फिर गैप ढूंढने में भी नाकाम है। बेहतरीन गेंदबाजी शिपोला की तरफ से, अच्छी फील्डिंग शिपोला की तरफ से। अर्शद अपने आखिरी ओवर में शिपोला की तरफ से, कोई भी बल्लेबाज बड़ी हिटे लगाने में कामयाब नहीं हो रहा है। एक बाउंड्री आई थी रिहान के बल्ले से, इस बार बहुत ऊंचा खेला है, फील्डर के पास गेंद और आसानी के साथ विकेट कीपर ने गेंद को लिया और इस अजहर के विकेट का नुकसान हो गया। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, 3 विकेट का अश्विन हिले उनको नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच उनके पास रन भी काफी कम है, 13 रन बने हैं, जबकि तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। आखिरी 4 गेंदें आने बाकी हैं हमें। अमैया बता रहे हैं कि सिर्फ 4 गेंदें बाकी है। इस मरतबा मोहम्मद के पास स्ट्राइक था, एक रन दौड़ के हासिल कर लिया और फैसल के पास स्ट्राइक है। अब फैसल है बल्लेबाज पहली मर्तबा, आतिफ सामना करने के लिए तैयार है। बॉलर खराब गए नहीं है, देखना अंपायर का इशारा। यकीनन वाइड के रूप में एक रन का एक्स्ट्रा रन के रूप में एक रन का इजाफा हुआ है।
वाइट बॉल करार दिया इस बीच अंपायर ने, एक रन का स्कोर में इजाफा, स्कोर 15 रन। तीसरी और आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, एक रन के लिए मुड़े, दूसरा रन बना, मिस फील्डिंग हुई, नतीजतन थ्रो जरूर आया था बॉलर के पास लेकिन गेंद को लेने में नाकाम रहे, नतीजतन एक की जगह दूसरा रन भी तेज कदमों से हासिल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 17 रन बने, तीसरी ओवर का आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। शिफोला और हस्परीन 11 के दरमियान यह मुकाबला चल रहा है। जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे नहीं आई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। अच्छी गेंदबाजी शिपोला की तरफ से तमाम गेंदबाजों ने की है। अस्फरीन 11 ने सिर्फ एक बाउंड्री हासिल की थी जो लगाने में रिहान कामयाब हो गए थे, उसके अलावा कोई भी हिट नहीं लगी ऐसी के जिसके ऊपर। एक मरतबा फिर खराब गेंद, बल्ले के बस के पहुंच से दूर, एक रन का स्कोर में इजाफा, 18 रन। आतिफ के पास स्ट्राइक है। चौथे दिन के खेल का पहला मुकाबला है, पहली मर्तबा कामयाब जरूर हुए ऊंचा खेलने में। एक अच्छी कोशिश है, बाउंड्री आ सकती है और यकीनन के आखिरी कैच भी उनसे ड्रॉप हुआ और 4 रन नतीजतन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। 4 बहुत ही कीमती रनों का इजाफा किया ही है। अगर ये कैच हो जाता तो यकीनन 4 रन रुक गए होते, लेकिन क्रिकेट है ये, ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता नहीं कहा जा सकता। टोटल हदफ दिया है जीत के लिए 23 रनों की जरूरत होगी। 22 रन बनाए अस्फरीन 11 ने और जीत के लिए टारगेट जो दिया है वो 23 रनों का है। बॉल जल्दी फील्डिंग सजाए अस्फरीन 11 के कैप्टन से गुजारिश है कि फील्डिंग जल्दी सजाए। ओवेस बता रहे हैं कि पापरा के कोच नौमान साहब तशरीफ लाए हैं। हाँ वो ला रहे हैं, लाइनमैन के फराइज अंजाम देने वाले से गुजारिश है जहां जहां भी कुर्सियां हैं वो लेते आए। तो कौन बंटी है ना अंत कुर्सियां तो बंटी भी काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। लाइनमैन के फ्राइज अंजाम दिए हैं पूरा दिन। राबिया रेडियम आर्ट्स के बदरुद्दीन करता धरता बदरुद्दीन उंडरे भी यहां पे हैं और यकीनन उन्होंने बानकोट के इस टीम के लिए अपनी तरफ से काफी खिदमत फराहम की है, वक्त की भी और जेब खर्च की भी। नाइफ मोटर्स दाऊद भाई चरफड़े, अगर आपको नई या पुरानी गाड़ी खरीदने हैं या कोई भी गाड़ी के ताल्लुक से मालूमात हासिल करनी है तो दाऊद भाई चरफड़े से आप रब्ता कर सकते हैं। सोनी लाडू भाई ने भी अपनी खिदमत अंजाम दी है और उन्होंने दूसरे मुकाबले की दूसरी ट्रॉफी, सेकंड आने वाले के लिए दूसरी ट्रॉफी और 17,000 रुपये का इनाम दिया है। जबकि हमारे गांव के एक मुअज्जज शख्सियत नासिर भाई दादरकर हमेशा बच्चों के साथ रहे हैं, हमेशा बानकोट के लिए अपना वक्त नहीं बल्कि अपना खर्चा और अपनी जान तक की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। सर आपका शुक्रिया। आतिफ सर आए, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया और नासिर भाई दादरकर की तरफ से पहला इनाम 35,000 रुपये और ट्रॉफी है। उसके अलावा रफीक गजाले की
अर्शीद रफीक गजाले इनकी तरफ से तीसरा इनाम है। जहीर भाई परकार की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के लिए इनामात से नवाज दिए जाएंगे उस खिलाड़ी को जो मैन ऑफ द सीरीज होंगे। इस बीच अच्छी गेंद स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर से इसलिए ज्यादा आगे निकल गए थे। जीत के लिए सिर्फ 23 रनों की जरूरत है। नवीद है बॉलर, जिस तरह से आमिर ने गेंदबाजी की थी अपनी पहली ओवर में शिपोड़ा के लिए, नवीद से उसी तरह की उम्मीदें की जा सकती है, इसलिए कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। बहुत ऊंचा शॉट है, फील्डर शायद गेंद को नहीं ले पाएंगे और बेहतरीन 6 रन हासिल करने में कामयाब हो गए अपनी टीम के लिए। इस बीच एक मरतबा फिर नवीद की पटकी हुई गेंद को हिट लगाने की कोशिश की, गेंद वहीं पे लुढ़क गई और इस बीच दौड़ कर एक रन हासिल हो गया। कल फाइनल डे है और यकीनन फाइनल डे के लिए शायक ने क्रिकेट पूरा बानकोट और अतराफ के लोग उमड़ के आएंगे, इसलिए कि बहुत बड़ी बड़ी टीमों के मैचेस उनको देखने हैं। जिस तरह का हमारा ग्राउंड है ये बानकोट में फैला हुआ चारों तरफ, बल्लेबाजी के लिए अगर बल्लेबाज चाहे तो अपनी टीम के लिए और अपने नाम के लिए अपने लिए बहुत बड़ा स्कोर बना सकते हैं, बशर्ते कि वो कुछ देर ग्राउंड पे रुके रहे। हालांकि ये मैचेस 2 ओवर और 3 ओवर के जब होते हैं तो मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों को रुकना या रन लेना, ये रनआउट का खतरा है। लेकिन रन लेने में पूरी तरह से कामयाब हो गए और दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े थे, 2 रन हासिल हो गए। इस 2 रनों के स्कोर में इजाफे के साथ 9 रन बने हैं, जबकि 23 रनों का एक हदफ जीत के लिए दिया है। अगर अभी भी कोई विकेट या कोई कुछ अच्छी गेंदें जाती है तो दबाव बनाए जरूर जा सकता है, लेकिन फिलहाल नवीद की गेंद को जोरदार तरीके से खेला है फील्डर, जब तक गेंद को लेते 1 रन बना, 2 रन के लेते इस कदमों से मुड़े हैं, ये 2 रन हासिल कर लिए। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद 11 रन बने हैं। रिजवान पेवेकर का बहुत बहुत शुक्रगुजार है मैनेजमेंट और ये बानकोट के क्रिकेट तमाम शायकीन, इसलिए कि रिजवान पेवेकर ये हमारे बानकोट से ताल्लुक रखते हैं और ये वाईफाई जो है हमारे अतराफ में चारों तरफ मांदेवली से लेकर पंदेरी तक, पंदेरी से लेकर छिपोला और बानकोट तक हर जगह वाईफाई का जो इंतजाम किया है वो रिजवान भाई पेवेकर है। काफी मेहनत करते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए, अपने गाँव के लिए। दूसरी ओवर का खेल होने जा रहा है, पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 11 रन बगैर किसी नुकसान के। खालिद है बॉलर, हनीफ अच्छी गेंद विकेट कीपर के पास गेंद गई, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। जीत के लिए 23 रन दरकार है, पहली ओवर में 11 रन बने थे, डॉट गेंद गई। अगर इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी होती है तो आखिरी ओवर में दिलचस्प और बेहतर मुकाबले की तवक्का की जा सकती है। बेहतरीन शॉट, कोई नहीं रोक पाएगा मेरे ख्याल में इस गेंद को। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 1 रन बना, 2 रन के लिए मुड़े, 2 रन बने, जब तक के फील्डर गेंद को फील्ड करके देते। इस बीच दौड़कर 3 रन हासिल हो गए। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, 15 रन बन चुके हैं, जीत के लिए 23 रनों की जरूरत है। हनीफ है बॉलर।
अनवर है इस ट्रैक पे, हनीफ है बॉलर, जीत के लिए सिर्फ 23 रनों की जो जरूरत है उसमें से 15 रन बन चुके हैं। वाइड बॉल, 15 रन अभी बने तो फिर वहां उसमें 15 दिखा रहा है, अभी हुए चुप रहे। अरे 3 रन वाले बाउंड्री ने गली थी, 3 रन वाले, 3 रन वाले, सॉरी बस 15 रन। वो स्कोरर को लगा के वो बाउंड्री गई थी लेकिन वो बाउंड्री ने 3 रन आए थे, अभी 15 रन बने। इस बीच हनीफ खराब गेंद, यकीनन इस वक्त में जब रन कम होते हैं तो रन रोकना जरूरी होता है, एक्स्ट्रा के अगर आप रन देते हैं तो एक्स्ट्रा गेंद भी बढ़ जाती है। बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं अनवर अपनी टीम के लिए, स्कोर में 1 रन का और इजाफा हुआ। हनीफ छोटे रन अप से गेंदबाजी कर रहे हैं, खेलने में कामयाब हुए, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए बुलाया और तेज कदमों से 2 रन हासिल करने में कामयाब हो गए। 18 रन बने हैं, अभी भी 5 रनों की जरूरत है और आखिरी ओवर आना बाकी है। गेंद करेंगे हनीफ, अनवर है स्ट्राइक पे, अच्छी गेंद, बल्ले के करीब से निकली, रन आउट होने का खतरा है तो, और ये अजहर गेंद को ठीक तरह से नहीं ले पाए, अजहर ना कौन तो सुहेल, और इस बीच इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। 5 रनों की अभी भी जरूरत है मैच को जीतने के लिए, 18 रन बन चुके हैं, इसके बाद आखिरी ओवर होगा। ये गेंद देखें किस तरह से, अच्छी गेंद, फील्डर है शायद गेंद के नीचे है, लेकिन ये गेंद वन बाउंस के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है और आखिरी ओवर में अब जीत के लिए सिर्फ 1 रन दरकार होगा। 22 रन मुकम्मल हो चुके, एक बॉल बाकी है, अच्छा इस ओवर की एक गेंद बाकी है, एक गेंद बाकी है, बराबर बराबर, ठीक है ठीक है। इसके बाद एक ओवर आना बाकी है, 1 रन की जरूरत है शिपोला को इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद, ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान हुआ और आखिरी ओवर में जीत के लिए 1 रन की जरूरत है। मुरस्सर हमारे सामने से गुजर रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल है और शुक्रिया है कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहां तशरीफ लाए। फैसल गालिब, फैसल और गालिब भाई भी आए थे, अपना कीमती वक्त दिया उन्होंने भी बच्चों के लिए।